सत्संग केशववाणी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र, इस सौंदर्य का वर्णन कल हो चुका कि श्रीमद् भगवद गीता संवाद तो केशव और अर्जुन के बीच का है, पर धृतराष्ट्र को पहला श्लोक दे दिया गया। भगवद गीता की गहराई की ओर एक संकेत किया गया कि ये केवल उतना न जानना कि एक संग्राम के क्षेत्र में केवल एक प्रेरणा दी जा रही है, ना ये मात्र प्रेरणा नहीं है, ये कुछ और भी है। और इन बातों की ओर ध्यान दिलाने से पूर्व इस श्लोक पर हमारे इस विषय के अंतर्गत कि व्यवस्थित चिंतन ही विचारों की शक्ति का आधार है, व्यवस्थित चिंतन ही विचारों की शक्ति का आधार है, इस विषय के साथ मनोमय कोश के अंतर्गत जिस व्यायाम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं इस श्लोक के साथ, उसी श्लोक के प्रकाश में और भी बहुत कुछ कहना है और इसी के बीच में पुनः दोहराना अनिवार्य होगा कि व्यवस्थित चिंतन हेतु उपासना साधना, उपासना में जप ध्यान इत्यादि आ गए, साधना में आत्म परिष्कार है, पूर्ण आत्म परिष्कार तप भी है, मनोमय कोश की साधना किए बिना परिष्कार संभव नहीं है। मन में जड़ जमाए संस्कार जो विचारों को प्रतिपल प्रेरित करते हैं, ऐसी अस्थिरता बनाए रखते हैं कि मनुष्य का चिंतन अव्यवस्थित रहे और अव्यवस्था से ही अराजकता फैलती है। When there is no order, there is no harmony. Rule of law क्या होता है? यही तो है, भीतर जब व्यवस्था नहीं है तो अराजकता फैलेगी और वो अराजकता हमारे भीतर होती है। इस श्लोक के प्रकाश में ही हमें जानना है कि व्यवस्थित चिंतन के द्वारा विचारों को शक्ति प्राप्त हो, इस हेतु हम इस श्लोक में निहित गहरे मर्म को समझें और इसके प्रकाश में ये भी देखें कि युद्ध क्षेत्र जीवन का संग्राम है, ये कुरुक्षेत्र कर्म का क्षेत्र है, क्योंकि पहले शब्द दो हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैंने कुरुक्षेत्र को पहले लिया, ये कुरु का क्षेत्र कर्म का क्षेत्र है, वो कर्म का क्षेत्र जिसमें प्रतिपल जूझना है, प्रतिपल संग्राम है, भीतर भी बाहर भी दोनों स्थानों पर, और उस संग्राम के चलते मनुष्य में बहुत ऊर्जा भी खर्च होती है। कभी ध्यान से देखा कि जिस रथ पर अर्जुन सवार है उस रथ की पताका पर किसका चित्र है? कभी ध्यान से अनुभव करना,
अगर बनाने वाले ने ठीक से चित्र बनाया होगा तो प्राचीन भारतीय मनीषा के संदर्भ से कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन के रथ की पताका पर पवन सुत हनुमान का चित्र है। एक अलग युग के पात्र को इस युग में लाने की आवश्यकता क्या थी? केशव स्वयं ब्रह्म का स्वरूप विराट रूप व्यक्त करते हैं, उनके होते हुए पवन पुत्र कैसे? पवन पुत्र का उल्लेख अर्जुन की ध्वजा पर क्यों है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो बताता है कि जीवन का संग्राम कुरुक्षेत्र है, वो भी है जहां कभी कोई संग्राम हुआ होगा। पर जो ये महान भारत की रचना प्रतिपल होती है, महाभारत, महा बड़ा ग्रेटेस्ट, भावनाओं में रथ रमा हुआ, महाभारत महान भावनाओं में रमन करने वाला, ये महाभारत की रचना तो भावनाओं का क्षेत्र तो भीतर ही है। तो महाभारत का जो क्षेत्र है उसमें प्रतिपल ऊर्जा खर्च होती है, शक्ति खर्च होती है। हनुमान किसके प्रतीक हैं? सबसे पहले प्राण ऊर्जा के, वायु पुत्र हैं पवन पुत्र, पवन पुत्र प्राण ऊर्जा का प्रतीक है, प्राण शक्ति का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, उनमें कोई कमी नहीं है। गायत्री सिद्ध हैं, हनुमान गायत्री सिद्ध हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो प्राण का प्रतीक है हनुमान, इसलिए प्राण का प्रतीक अर्जुन के रथ के ऊपर की पताका। पताका का अर्थ क्या होता है? जब भी कभी कोई कहीं अधिपत्य अधिकार स्थापित करना हो तो वहां पताका के द्वारा ही स्थापना होती है। ध्वजा प्रतीक है स्थापना का, एस्टैब्लिशमेंट का। कोई भी कहीं अगर अपनी स्थापना करता है, अपना आधिपत्य अधिकार स्थापित करता है तो पताका के द्वारा ही तो करता है, ध्वजा के द्वारा। अपनी अपनी ध्वजा, राष्ट्र की ध्वजा, संगठन की ध्वजा, हर रेजिमेंट की ध्वजा, ध्वजा प्रतीक है स्थापना की। अतः पताका पर कौन? पवन पुत्र, संयम के प्रतीक, तप के प्रतीक, बल के प्रतीक, बुद्धि के प्रतीक, साहस पराक्रम के प्रतीक, ये पवन पुत्र है। जिसके बिना जीवन रूपी संग्राम में उतर करके विजय प्राप्ति नहीं है। इसीलिए सफलता के 6 सूत्र 6 घटक सबसे पहले दिए थे और आज हम समझ रहे हैं इस प्रथम श्लोक के प्रकाश में जो कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में उपलब्ध है, एक इमेज। ये तो वो इमेज केवल महाभारत नहीं, उपनिषदों में भी इसका उल्लेख आया है और मैंने पढ़ाया भी है इसे, बिल्कुल इस छवि का वो ठीक है। वहां केशव ने, केशव भगवद गीता में आ गए अर्जुन सहित। तो समझना आवश्यक है, चीजों को ठीक से अपने स्थान पर रख करके समझते चलो साधक। व्यवस्थित चिंतन का आधार, व्यवस्थित चिंतन का आधार उपासना और साधना है। व्यवस्थित चिंतन से विचारों को शक्ति प्राप्त होगी, विचारों की शक्ति से जीवन में बहुत कुछ संभव है। उपासना और साधना में उपासना जप,
और ध्यान इत्यादि साधना में ये जो हम कर रहे हैं मनोमय कोश का परिष्कार, जिसके अंतर्गत वो व्यायाम है जो मनन चिंतन के लिए प्रेरित करे अपने भीतर परिष्कार परिशोधन के लिए हमें उतारे, जिसके लिए हमने एक श्लोक लिया है भगवद गीता का पहला, जो सहायता करेगा भीतर के व्यायाम हेतु, भीतर के परिष्कार हेतु। और उस श्लोक को लेने से पूर्व हम ये समझने की चेष्टा कर रहे हैं श्लोक किनके बीच में कहां हुआ, क्या स्थिति थी वहां, केवल वहीं तक हम समझना चाहते हैं जिससे श्लोक का मर्म और गहरा हो जाए, श्लोक का भाव और गहरा हो जाए। इसीलिए हमने ये जाना कि भगवद गीता अर्जुन और कृष्ण द मेंटोर एंड हिज सब्जेक्ट डिसाइपल, उनके संवाद होते हुए पहला श्लोक धृतराष्ट्र को संजय के द्वारा, संजय की परिभाषा कल हो चुकी। कुरुक्षेत्र कर्म का क्षेत्र है, एक्टिविटी का क्षेत्र है, प्रतिपल वी हैव टू स्लॉग इनटू एक्टिविटी स्ट्रगल, वो संघर्ष का क्षेत्र है। और संघर्ष के क्षेत्र में रथ पर आसीन अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन के रथ पर पताका हनुमान की, हनुमान किसका प्रतीक है, और जीवन के संग्राम से उस पताका में उस इष्ट का होने की आवश्यकता क्या है। यह हनुमान को केवल हनुमान नहीं मानना, उन सब बातों को जानना जिसके लिए हनुमान जाने जाते हैं, संयम समर्पण बल पराक्रम प्राण इत्यादि, वो सब मानना, उनके बिना जीवन रूपी संग्राम में विजय संभव नहीं है। यहां तक कि शनि की दशा में भी, विषय भिन्न होते भी जोड़ रहा हूं, शनि की दशा में भी हनुमान की उपासना के लिए कहा जाता है, है उसके पीछे भी एक मर्म, शनि माने शना शना चरे, अब जो धीरे धीरे चलेगा, गति से नहीं चलेगा, और जब धीरे धीरे चीजें हों नॉट एट द रिक्वायर्ड स्पीड तो चीजें बिगड़ती भी हैं। इसीलिए अनुबंध हुआ है शनि और हनुमान जी का कि मेरे भक्तों को तुम प्रभावित नहीं करोगे, इसके पीछे का मर्म जाके देखोगे तो निश्चित रूप से जब चीजें बहुत धीमी चल रही हो ही ना रही हो बिगड़ रही हो तो ऐसे में प्राण की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता, बल की आवश्यकता, धैर्य की आवश्यकता, साहस की आवश्यकता, पराक्रम की आवश्यकता, समर्पण की आवश्यकता, जिससे अपने वजूद को अपने अस्तित्व को समेट करके इकट्ठा रख करके संघर्ष का काल व्यतीत किया जाए। यूं ही हनुमान अर्जुन की पताका पर नहीं है। अब ये श्लोक और इसका मर्म जितना तुमने अब तक सोचा, जितना अब तक जाना, उससे कई गुना आगे चला गया। अब ये मात्र उतना नहीं रहा साधक जितना तुम सोच रहे थे, अब ये उससे बहुत गहरा गया। अब ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजोत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया, अब जिस पृष्ठभूमि में जिस परिपेक्ष में ये श्लोक घट रहा है अब वो साधारण नहीं है, अब वो जीवन रूपी संग्राम में आ गया है, अब वो मनोमय कोष के परिष्कार हेतु एक बहुत महत्वपूर्ण कसरत बनने वाला है। मनुष्य के भीतर की एक शल्य चिकित्सा की एक पद्धति बनने वाला है, फॉर एन इंटरनल सर्जरी। अब इस पूरे प्रकाश और पूरे प्रकरण को समझते हुए कल के सत्संग में पुनः हम एकत्र इकट्ठे होंगे और इस गहराई को लेकर आगे चलेंगे। जब तक ये श्लोक पूर्ण होगा मुझे विश्वास है तुम्हारे जीवन में इसकी स्थापना बहुत गहराई तक होगी। मैंने पढ़ाया पहले भी है पर इतनी गहराई से मैंने अभी तक इसे नहीं पढ़ाया जितना मैं अब वर्तमान में लेकर के चल रहा हूं।
व्यवस्थित चिंतन का आधार विचारों की शक्ति, और विचार व्यवस्थित चिंतन हेतु उपासना साधना। हम साधना में है, और वो भी मनोमय कोष की साधना में है। इस विषय पर आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।